तो आपके सामने एक और क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, और क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। पहले तो अ कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पान 2.4 मीटर कैरीज ऑन यूडीएल ऑफ 20 किलो न्यूटन ओवर इंटायर स्पान। मतलब इस तरीके का कैंटिलीवर बीम है और इसका जो ये लेंथ है वो कितना है, 2.4 मीटर है, ध्यान रखना ये मीटर है, और इसके ऊपर लोड कौन सा है, यूडीएल, वो भी एंटायर स्पान पे है। ठीक है, यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पर ए पॉइंट है, और क्या गिवन दिया है, ई की वैल्यू दिया है 2 × 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और आई की वैल्यू दिया है कितना, 4 × 10⁷, देख रहे हैं ना, mm^4, ये mm में और न्यूटन में दिया है, और इसके ऊपर जो लोड दिया था स्मॉल w वो कितना दिया था, 20 kN/m, ये है। ठीक है, अब इसका सिर्फ पूछा क्या, फाइंड डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड, मतलब यहाँ पर कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है वही क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, मतलब YBCP क्वेश्चन पूछा है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए और इसमें अप्लाई कर देना है। तो YB का क्या फॉर्मूला है, बहुत ही आसान। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, डिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो ये होता है स्मॉल डब्ल्यू एल एस टू पावर 4 अपॉन 8EI, बोला तो मैंने 4 पावर का डबल। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे, डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, 20 kN है ना, तो यहाँ पर इसको किलो न्यूटन पर मीटर को आपने क्या कर लेना है, चेंज कर लेना है। यहाँ पर देखेंगे पहले इसको चेंज करना पड़ेगा, ये 20 kN है और पर मीटर है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, बिना चेंज किए आप वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर नहीं पुट कर सकते ना। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अच्छा ये काम कर सकते हैं, ये किलो है ना, तो इसको न्यूटन में चेंज कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, 20 × 10⁴, ये न्यूटन हो गया, और ये मीटर को एमएम में चेंज करेंगे तो एक मीटर में कितना होता है, 1000 होता है एमएम, तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, ये 20 N/mm हो गया कि नहीं, N/mm, तो ये चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं, 20 लिख दिया N/mm, और एल कितना है, 2.4 है ना, तो 2.4000 हो जाएगा, मतलब 2400 हो जाएगा, मीटर था तो इतना हो गया। ठीक है, 2.4 मीटर था तो 2400 मीटर हो गया, इसके ऊपर 4 पावर डिवाइड बाय 8, और ई की वैल्यू है 2 × 10⁵, और आई की वैल्यू है 4 × 10⁷। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि सर ये कैसे आएगा, तो यहाँ पर अब ये आपके लिए वही चीज़ मैं यहाँ पर समझाने के लिए लेकर आया हूँ, कैलसी में ध्यान से देखिए आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले तो ये जो है वैल्यू है ना 2400 पे 4 पावर, तो ये देखिए पहले तो 2400 टाइप कर लिए, टाइप करने के बाद से आपको ये वाला बटन दिख रहा होगा, ये देखिए ऐसे वाला, ये इस तरीके का बटन जो दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करिए और 4 पावर लगा दीजिए। ठीक है, पावर लगा दिए, इक्वल हो गया, ये जितनी वैल्यू आई उसमें आपको ये 20 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 20 × कर देंगे। ठीक है, इंटू करके 20 करके इक्वल कर देंगे, ये जो वैल्यू आई है उसमें इसको डिवाइड करना है, तो पहले इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, देखिए क्या दिया है, 6.634 लिख लेते हैं, 10⁴ आया, डिवाइड बाई इसको कर लेते हैं। अभी देखिए 5 और 7, ये तो 12 हो गया, यहाँ पर 8 × 2 = 16 और 16 × 4 = 64 होता है, ये इस तरीके का होगा। अब इसी में डिवाइड करना है आपको, देखिए वो जितना पावर है उसमें से इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड ये करेंगे, ये डिवाइड, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ये 64 × ध्यान रखिएगा यहाँ पर कितना करना है, 10⁻ यहाँ पर 12 है ना, 10⁻¹2, तो इस पर डायरेक्ट आप exp ये जो है ना, ये ई वाला ले सकते हैं, exp लेते हैं। ठीक है, ई और कितना लिख देंगे 12, ये e12 का मतलब होता है कि 10⁻¹⁰ का मतलब होता है 10⁻¹2। ठीक है, e10 64 × e12 कर दिए, इक्वल टू कर दिए, ये ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, और कितना आया 10.368, ये mm में आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, आसानी से आ जाएगा। ठीक है,
जो भी वैल्यू दिया है इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, आपकी वैल्यू जो है आसानी से आ जाएगी। तो जो आपके सामने मैंने कैल्सी में भी कैलकुलेट करके बताया, ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू पुट करेंगे, आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये इतना ही पूछा था, स्लोप तो पूछा ही नहीं था। स्लोप भी पूछता तो क्या हो जाता है, डब्ल्यू एल क्यू अपन सिक्स ई आई होता, तो वो चीज़ें वैल्यू पुट करके आप फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगा। जितना पॉइंट समझ में आ गया, तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, फिर मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस। अभी तो कैंटिलीवर के रिलेटेड करें, फिर सिंपली सपोर्टेड से रिलेटेड करेंगे, कुछ और टिपिकल से रिलेटेड करेंगे, कि ताकि अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।